नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी खबरों पर, फटाफट जान लेते हैं आज कैसा रहने वाला है आपके यहां के मौसम का हाल। मौसम जांच विभाग की टीम ने बताया कैसा रहने वाला है देश के अगले 48 घंटों का मौसम। इन राज्यों में आज भी भारी बारिश की संभावना के चलते कड़ी चेतावनी की गई जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी के चलते दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तरी भागों में अगले दो दिनों के अंदर सर्दी बढ़ने की संभावना। साथ ही झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे पूर्वी राज्यों में भी सुबह शाम के तापमान में लगातार कमी आने के चलते आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ने की उम्मीद। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का मौसम अगले चार दिनों तक साफ रहने की उम्मीद जताई गई है। अन्य राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में आने वाले दो से तीन दिनों तक आंशिक तौर पर हल्के बादल छाए रहने के साथ हल्की धूप निकलने की संभावना है। अगले 48 घंटों के अंदर लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में तापमान में गिरावट और हल्की बर्फबारी की आशंका है। इसके साथ ही दक्षिण केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और हैदराबाद जैसे राज्यों में आज मध्यम बारिश के साथ भारी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुँच सके आपके पास सबसे पहले।